नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। भोपाल से बड़ी खबर की सबसे पहले बात करेंगे। देर रात तक बीजेपी ऑफिस में बैठक का दौर जारी रहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की। एमपी में बीजेपी विजय संकल्प यात्रा निकालेगी। सितंबर के पहले हफ्ते से शुरुआत होगी। उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन के साथ ही शुरुआत होगी। मिशन 2023 के लिए प्रमुख नेताओं के साथ करीब 4 घंटे तक ये बैठक चली है। तो बीजेपी दफ्तर में दिग्गजों के साथ बैठक हुई। विधानसभा चुनाव की रणनीति इस बैठक में बनी है। भोपाल में बीजेपी के चाणक्य पहुंचे हैं और खास ये बैठक रही। बीजेपी दफ्तर में दिग्गजों के साथ बड़ी बैठक अमित शाह ने की है। विधानसभा चुनाव की तैयारी की गई रणनीति जो है तैयार की गई है। बीजेपी दफ्तर में दिग्गजों के साथ बड़ी बैठक अमित शाह ने की है। विधानसभा चुनाव की रणनीति इस बैठक में बनी है। विधानसभा चुनाव की रणनीति बनी है। बता दें, बैठकों का दौर बीजेपी में लगातार जारी है और केंद्रीय नेतृत्व लगातार दौरा जो है प्रदेश का कर रहा है। और इसी बीच गृहमंत्री पहुंचे और उन्होंने बैठक की बड़े दिग्गजों के साथ। ये बैठक हुई, चुनाव को लेकर के रणनीति तैयार की गई है। विधानसभा चुनाव की रणनीति बनी है, ये बड़ी बैठक इस वक्त आपको बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, बड़ी बैठक जो है बीजेपी दफ्तर में हुई है और गृहमंत्री ने इस बैठक को संबोधित किया है, रणनीति तैयार की है, कितनी खास ये बैठक रही? निश्चित तौर पर देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बेहद महत्वपूर्ण भोपाल दौरा और इस दौरान उन्होंने करीब 4 घंटे तक बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व है मध्य प्रदेश में, जिसको कमान सौंपी गई है, चाहे वो सीएम शिवराज सिंह चौहान हो, वीडी शर्मा हो, मुरलीधर राव हो, अश्विनी वैष्णव हो, इन तमाम सारे नेताओं के साथ मंथन किया है और बहुत बारीकी से तमाम उन पहलुओं पर चर्चा की गई है जो चुनाव के लिहाज से खासे महत्व रखते हैं, जिसमें आप समझ सकते हैं कि कैसे कैंपेन को आगे बढ़ाना है, मध्य प्रदेश में चुनावी कैंपेन को आगे बढ़ाना है, फ्लैगशिप योजनाओं को किस तरह से प्रचार प्रसार करना है, कार्यकर्ताओं को कैसे मोटिवेट करना है और विजय संकल्प अभियान को कैसे पूरा करना है और उसमें बूथ की जो जमावट है वो कितनी महत्वपूर्ण रहने वाली है, इन तमाम पहलुओं को लेकर बहुत बारीकी से जो मंथन है वो कल हुआ है। और इसके साथ मैं आपको बता दूं, एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि टिकट वितरण को लेकर जो लगातार बार बार बात निकलकर सामने आ रही है, तो उस फॉर्मूले को लेकर भी इस पूरी बैठक के दौरान कहीं ना कहीं चर्चा हुई है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि बहुत बारीकी के साथ टिकट वितरण किया जाएगा। ये कहा जाता है कि अगर आपका टिकट वितरण सही हो गया तो आप चुनाव में पहले ही एक लीड बनाने का काम कर लेते हैं। तो इस लिहाज से ये अमित शाह का जो दौरा था वो बहुत महत्वपूर्ण था और निश्चित तौर पर अब आने वाले समय में इस बैठक से जो निचोड़ निकला है, जो इस पूरी बैठक का कह सकते हैं कि अमृत जो निकला है, उसको लेकर बीजेपी अब इन चुनावी समर में आगे बढ़ेगी। और जो प्रभारी थे बैठक में, जो लोग शामिल थे, वो इस बैठक के बारे में ब्रीफिंग करने का काम अन्य पदाधिकारियों को और अन्य कार्यकर्ताओं को भी करेंगे। तो अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो एक ड्राफ्ट बनाने का काम इस पूरी बैठक के जरिए, एक ब्लूप्रिंट, एक खाका तैयार करने का काम जो है वो कर लिया गया है और अब उसी नक्शे कदम पर आगे बढ़ना होगा। क्योंकि आप देखिए, अमित शाह लगातार मध्य प्रदेश को लेकर खुद काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं और उनके दौरे लगातार मध्य प्रदेश के जारी हैं और दूसरी ओर बीजेपी अपना कैंपेन भी अब धीरे धीरे आगे बढ़ाती हुई मध्य प्रदेश में दिखाई दे रही है, नजर आ रही है। बहरहाल ये भी एक देखने वाली बात जरूर होगी कि कोई बड़ी यात्रा बीजेपी मध्य प्रदेश में कब से शुरू करती है, जो सीधे तौर पर चुनावी कैंपेन से जुड़ी होगी, इसको लेकर भी अंदर खाने चर्चा जरूर कहीं ना कहीं हुई होगी। तो इन तमाम बातों को लेकर चर्चा हुई है और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी है कि 12 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी का जो दौरा होना है
सागर वो पहुंचेंगे, संत रविदास मंदिर के लिए भूमि पूजन करने का काम करेंगे। और प्रदेश में जो 5 यात्राएं अलग अलग जगहों से निकल रही हैं वो भी 12 अगस्त तक सागर पहुंच जाएंगी, तो वहां पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होना है, क्योंकि वो जैसे राम मंदिर का निर्माण हुआ था तो उसमें जो देश भर में एक अभियान चला था उसमें अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देने के लिए, और उसी तरीके का अभियान मध्य प्रदेश में चलाने की भी जो कोशिश है वो कहीं ना कहीं की जाएगी। और रविदास जयंती का देश का संत रविदास जी का देश का सबसे बड़ा मंदिर जो है वो सागर में बनाया जा रहा है, और खुद पीएम मोदी इस पूरे कार्यक्रम में भूमि पूजन के कार्यक्रम में शामिल होंगे, तो वो एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, तो उसको लेकर भी बैठक में रणनीति बनी है, तैयार हुई है, चर्चा हुई है। जी वासु, ये माने कि जिस तरह से लगातार केंद्रीय नेतृत्व का दौरा लगातार जारी है, बैठकों का दौर लगातार जारी है, बीजेपी पूरी तरह से ठान चुकी है कि जहां जहां पे कमजोर हैं वो कमजोरी हटानी है और जीत का परचम लहराना है। निश्चित तौर पर देखिए, कोई भी चुनावी दल हो, चुनाव के पहले अपने तमाम सारी उन चीजों पर बारीकी से मंथन करता है जहां पर उसे लगता है कि थोड़ा सा काम करने की जरूरत है, और जहां पे पार्टी मजबूत होती है वहां पे उसे और भी ज्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ाने की भी कोशिश होती है। और जो सर्वे लगातार होते रहते हैं, जो रिसर्च के काम अलग अलग एजेंसीज के जरिए लगातार कराए जाते हैं, तो उनका जो फीडबैक आता है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जरूर मंथन हुआ होगा। और तमाम विधानसभाओं को लेकर भी कल मुझे लगता है कि बैठक में बातचीत हुई होगी, जहां पे बीजेपी को पिछले समय में चुनावों में हार का सामना करना पड़ा था, तो उन जगहों पर अपना परफॉर्मेंस कैसे ठीक किया जाए, नेताओं की कार्यकर्ताओं की जिससे शिकायतें आती हैं उनको कैसे दूर करने का काम किया जाए, ये तमाम बेहद महत्वपूर्ण पहलू है। और आपने अब बिल्कुल ठीक कहा कि अमित शाह का जो दौरा रहा है भोपाल का, कल लंबी जो बैठकें चली हैं, इससे साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये एक बड़ा इशारा है कि आपको पूरी तरह से बीजेपी के ना सिर्फ नेतृत्व बल्कि एक एक कार्यकर्ता जो है वो अब सक्रियता के साथ चुनावी मैदान में कदम आगे बढ़ाता हुआ आने वाले समय में नजर आएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया वासु, आप लगातार बने रहिए, फिर आपके पास लौटूंगी अगली खबर पर। भोपाल से एक और बड़ी खबर है, पुलिस व्यवस्था की पोल खोली है, हाई अलर्ट के बीच गोली चली है, हबीबगंज थाने के सामने फायरिंग हुई, आपसी लड़ाई के चलते फायरिंग हुई है, प्रदीप कचरी नाम के बदमाश ने सोनू एंजल नाम के बदमाश पर गोली चलाई, एक बदमाश की बर्थडे पार्टी में विवाद हुआ था। और ज्यादा जानकारी के लिए वासु लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु, आपसी रंजिश में, आपसी लड़ाई में गोली चली है, आखिर किस बात को लेकर लड़ाई हुई थी? वासु, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे वासु से। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, हबीबगंज थाने के सामने फायरिंग हुई है, आपसी लड़ाई के चलते फायरिंग हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए वासु हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, हबीबगंज थाने के सामने फायरिंग की तस्वीर देखने को मिली है, आखिर क्या है मामला, किस बात को लेकर विवाद हुआ, बताइए। अब बिल्कुल देखिए, कल एक बड़ा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में वीआईपी मूवमेंट था, केंद्रीय गृह मंत्री आए हुए थे, लेकिन इसके बीच भी एक बर्थडे पार्टी के दौरान आपसी विवाद हो गया। हबीबगंज थाने के सामने फायरिंग होने की जो घटना है वो अब ये बताई जा रही है, और आपसी लड़ाई के चलते ये पूरी घटना हुई है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की अब जांच में पड़ताल में जुट चुकी है, और जल्द ही इस पूरे मामले को लेकर जो पूरी स्थिति है वो स्पष्ट हो सकेगी। लेकिन इस पूरी घटना से कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े होते हैं कि जो इस तरीके के लोग हैं वो कैसे एक हाई अलर्ट के दौरान, एक बड़ी पुलिस व्यवस्था के दौरान फायरिंग कर सकते हैं, गोली चलाने जैसी जो घटना है वो हो सकती है। इस पूरे मामले में प्रदीप कटसी नाम का एक व्यक्ति है, और दूसरा जो व्यक्ति है सोनू एंजल उसका नाम बताया जा रहा है, और इन दोनों के बीच में कुछ विवाद हुआ था और तभी ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। तो पुलिस इस पूरे मामले में सक्रिय है रात से ही, और जल्द ही इस पूरे मामले को लेकर और भी जो खुलासा है वो हो सकता है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया वासु। सुकमा से बड़ी खबर है, लगातार शबरी नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, अलर्ट मोड पर स्थानीय प्रशासन है, कोंटा सीडब्ल्यूसी ऑफिस पर
पहुंचकर अधिकारियों ने जायजा लिया। बाढ़ प्रभावित इलाके के लोगों को अलर्ट भी किया गया है। नगरवासियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। शबरी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और अब जो है सीडब्ल्यूसी के अधिकारियों ने वहां पर अलर्ट जारी किया है। लोगों को सावधान रहने के निर्देश दिए गए हैं। तो बाढ़ प्रभावित इलाके के लोगों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। सुकमा लगातार जो है सुकमा में लगातार बढ़ रहा है जलस्तर और पानी का भराव बहुत ज्यादा है। अलर्ट मोड पर स्थानीय प्रशासन आ चुका है। ज्यादा जानकारी के लिए सत्यनारायण चांडक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यनारायण, शबरी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और वहां के आसपास के इलाकों में अलर्ट भी जारी किया गया है। जी, आपको बता दूं कि लगातार बारिश हो रही है और साथ ही साथ जो है सीमावर्ती प्रदेश तेलंगाना की गोदावरी नदी उफान पर है। वहां पर गोदावरी नदी का जल स्तर जो है 52 फीट पहुंच गया है और सेकेंड डेंजर लेवल तक पहुंच गया है, जिसका असर जो है शबरी में देखने को मिल रहा है। कोंटा जो है कोंटा बॉर्डर इलाका है, वहाँ पे सबरी उफान पर है और करीब जो है पहले डेंजर लेवल पर सबरी पहुंच गई है। वहाँ पर प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया गया है और लगातार जो है राहत शिविरों में राहत शिविर बनाए गए हैं और लोगों से अपील की गई है कि अगर पानी घरों में घुसे तो अपना सामान लेकर राहत शिविर पहुंचे और किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो सूचनाएं दें। जी जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। शिवपुरी में पिछले एक दिन से रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है और शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है, जिसके कारण लोग खासा परेशान हैं। हालांकि नगर पालिका के कई दल जलभराव वाले क्षेत्रों में पानी निकालने में लगे रहे, लेकिन लोगों को राहत नहीं मिली। आपको बता दें कि शिवपुरी में कभी तेज कभी धीमी बारिश लगातार हो रही है। दमोह से कुछ ऐसी तस्वीर सामने आई जो हैरान करने वाली है। पुल पार करने के दौरान लोग बह रहे हैं और मौत के मुंह में समा रहे हैं। इसके बावजूद लोग पुल पर बह रहे पानी को चार पहिया और दो पहिया वाहनों से पार करने में नहीं चूक रहे। ये तस्वीरें दमोह पथरिया मार्ग की हैं। बारिश के बाद सुनार नदी का जलस्तर बढ़ गया है, पुल पर से पानी बहने लगा है। इसके बावजूद लोग पुल से निकलने से नहीं चुके। दो पहिया वाहन चालक और चार पहिया वाहन चालक पुल को पार करते नजर आए। छत्तीसगढ़ में आई फ्लू तेजी से फैल रहा है। प्रदेश के अलग अलग जिलों के अस्पताल में रोजाना 20 से 25 संक्रमित मरीज आ रहे हैं। धमतरी, मुंगेली और कोरबा में स्थिति बिगड़ती जा रही है, जिसे लेकर स्वास्थ्य विभाग ने निर्देश भी जारी किए हैं। लक्षण दिखने पर तत्काल स्वास्थ्य केंद्र जाकर डॉक्टर से इलाज कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही डॉक्टरों का कहना है कि जरूरी उपचार और सावधानी रखकर खुद को आई फ्लू से दूर रखा जा सकता है। तस्वीरों में देख सकते हैं धमतरी, मुंगेली और कोरबा के जिला अस्पताल में आई फ्लू के मरीज की कतार लगी हुई है। कल हल्का से खुजली हुआ, उसके बाद फिर आंख लाली में आए, उसी के चेकअप कराने निकला है। वो आंख लाल हो जाता है और खुजलाने से वो चुभता है। कब से ये समस्या और डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? अभी 2-3 दिन हुआ है। ये कोई नया रोग नहीं है, ये कंजक्टिवाइटिस है, जो आंखों का इन्फेक्शन है। ये साल में लगभग 1-2 बार होता ही है, मतलब जिसको अपन कॉमन भाषा में आई फ्लू बोलते हैं। ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, दूषित पानी से होता है, दूषित हवा से होता है। तो इस समय कैद खाने हैं बिन सलाखों के, कुछ यूं चर्चे हैं तुम्हारी आंखों के। यूं तो ये किसी शायर की दो पंक्तियां हैं, लेकिन अगर बात आंखों की जाए तो इन दिनों आंखों पर कंजक्टिवाइटिस की कैद जरूर हो गई है। नवजात बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक में ये इन्फेक्शन तेजी से बढ़ रहा है। कंजक्टिवाइटिस ने खंडवा को चपेट में लिया। खंडवा के मेडिकल कॉलेज के अस्पताल की ओपीडी में 80% से ज्यादा मरीज आंखों में जलन की समस्या लेकर आ रहे हैं। बड़ी बात तो यह है कि 2 दिन की बच्ची से लेकर युवा और बुजुर्ग तक इस इन्फेक्शन का शिकार हो रहे हैं। ये इन्फेक्शन किसी एक को होने पर उसके संपर्क में आने वाले या संक्रामक व्यक्ति द्वारा उपयोग में लिया गया रूमाल या अन्य सामान उपयोग के लेने पर भी इन्फेक्शन फैल रहा है। ऐसे में एहतियात बरतना जरूरी है। मेरा नाम जयश्री है, मैं पोती को लेकर आई हूँ।
उनकी आंख में इन्फेक्शन हो रहा है, दवाई गोली लिखी है डॉक्टर ने, ड्रॉप और ट्यूब। क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा इन्फेक्शन है, आंखों में जलन हो रही है, पानी निकल रहा है, आंखें चिपक रही है, आंखें लाल हो रही है। डॉक्टर साहब को दिखाया, उन्होंने जांच करी है, जांच करने के बाद उन्होंने टी ओ ड्राप लिखा है, हर एक घंटे में ड्राप डालना है, दो बार टी ओ लगाना है और काटन से रोज आंखों को साफ करना है। पहले बहुत पहले होती थी ये बीमारी, उसके बाद ये फिर अब चालू हुई है 15 दिन से, छोटे वाले बच्चों को सबको हो रही है, आंखों में जलन हो रही है, आंखें लाल हो रही है। कम से कम 200-250 मरीज आ रहे हैं, जिनमें से 100-180 से ऊपर ले लेते हैं, 150-180 मरीज कंजंक्टिवाइटिस के अकेले ही आ रहे हैं। ये मौसम खराब होने की वजह से, मौसम क्योंकि बारिश भी हो रहा है, गर्मी भी हो रहा है। रायपुर में युवक को बाइक पर स्टंट करना भारी पड़ गया। पुलिस ने युवक का 4,300 रुपए का जुर्माना लगाया। अनुज नरमलकर नाम का ये युवक नवा रायपुर में स्टंट कर रहा था। बलौदाबाजार से बड़ी खबर की बात करेंगे। कोचिंग सेंटर में बच्चे की पिटाई का वीडियो अब वायरल होने लगा है। वायरल वीडियो पर एसएसपी दीपक कुमार झा का बयान आया, बलौदाबाजार जिले का नहीं है वायरल वीडियो, एक साल पहले बिहार के पटना का ये वीडियो है। एसएसपी ने भ्रामक वीडियो पोस्ट नहीं करने की अपील की है। बलौदाबाजार में पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा था। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर भारत मंडपम का उद्घाटन, पीएम मोदी ने ड्रोन उड़ाकर किया इनॉग्रेशन। कन्वेंशन सेंटर में 9 और 10 सितंबर को होगी 18वीं G20 बैठक। ज्ञानवापी परिसर में सर्वे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज तक के लिए रोक बढ़ाई, आज फिर होगी मामले की सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने लगाई है सर्वे पर रोक की मांग। मानसून सत्र से निलंबित होने के बाद प्रदर्शन कर रहे सांसद संजय सिंह को सोनिया गांधी ने दिया समर्थन, आप सांसद ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले मणिपुर हिंसा बीजेपी प्रायोजित। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के लगाए आरोप, कहा ईडी सीबीआई और आईटी एनडीए के 3 मजबूत दल। भारत से पाकिस्तान पहुंची अंजू के निकाह पर अब भी सस्पेंस, अंजू ने इस्लाम कबूल कर निकाह करने की खबरों को किया खारिज, निकाह पढ़ाने वाले ने दावों को बताया सच। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का खास गुर्गा विक्रम बरार गिरफ्तार, एनआईए ने यूएई से दबोचा। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद सिद्धू फरार, विक्रम पर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में दर्ज हैं कई आपराधिक मामले। यूपी के नोएडा में हिंडन नदी ने मचाई तबाही, इकोटेक 3 के पास पानी में डूबी सैकड़ों गाड़ियां, 10 से 12 गांवों में बाढ़ जैसे हालात। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही।